हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हिंदी में ब्लॉग बना रही हूँ। जैसे कि मैंने बोला था, संबलपुरी और हिंदी में ही ब्लॉग बनेगा, क्योंकि ओडिया चैनल तो रहा नहीं। बहुत सारे नए यूट्यूबर डीएम कर रहे थे और फ्रेंड्स भी, बहुत सारे फ्रेंड्स और व्यूअर्स भी मैसेज कर रहे थे कि चैनल का क्या अपडेट है। तो एवरी 24 आवर्स में उनका मेल आ रहा है और वो लोग कुछ ना कुछ नया लिंक मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं उसमें साइन इन करने की कोशिश कर रही हूँ, बट दोज लिंक्स आर नॉट वर्किंग। कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो खुल ही जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। वो लोग बोल रहे हैं टाइम लगेगा, और नहीं खुलेगा तो भी कोई टेंशन नहीं है। आप लोग मेरे साथ हो, इसमें ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, इसी चैनल में और संबलपुरी चैनल में। तो आज मंडे है, चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ बन रही है चाय अदरक वाली हस्बैंड के लिए, और यहाँ बन रही है घुगनी चाट, ये भी हस्बैंड के लिए है। और यहाँ है खट्टी मीठी इमली की चटनी चाट में डालने के लिए। यहाँ बॉयल्ड आलू में थोड़ी सी पीपर डाल के रखी हूँ, और ये कटा हुआ प्याज। यहाँ है पापड़ी और यहाँ है दही। अभी मैं जल्दी से चाट सर्व कर लेती हूँ, फिर बात करते हैं। तो मैं आ गई हूँ काम ख़त्म करके विशाल मेगामार्ट, क्योंकि हमें थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। और यहाँ मैं मेरी बहनों से मिल चुकी हूँ, तो आपको भी मिलाती हूँ थोड़ी देर बाद। यहाँ एक बॉक्स बना हुआ है। आई डोंट नो माई वॉइस इज कमिंग और नॉट। डेली यूज कपड़े वगैरह ख़त्म हो गया, क्योंकि बहुत दिनों से लॉकडाउन चल रहा है और सामान तो ख़त्म हो गया ही, तो जैसे भी करके लेना ही था। थोड़ा लंबा टाइम हो गया, इसलिए हम शॉपिंग कर रहे हैं। चलिए आज मैं अपनी बड़ी दीदी से मिलाती हूँ। तो ये है मेरी बड़ी बहन, मेरी दीदी, अपनी दीदी। आई नो फेस आर नॉट मैचिंग टू इच अदर, बट वी आर सिस्टर। सी इज एल्डर देन ऑल ऑफ अस, सी इज अ टीचर। मैं अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई थी कि मेरी बड़ी बहन है सबसे, फिर मैं हूँ, आई एम द सेकेंड वन, सी इज द फर्स्ट वन। आपसे मिला दी।
चूजी। वैसे मेरे हस्बैंड बोल रहे कि मैं चूजी हूँ, लेकिन इनसे ज्यादा चूजी कोई हो ही नहीं सकता। खत्म हो गया, हमको 1.5 घंटा लगा। अभी हम जा रहे हैं कोई दूसरा दुकान जहाँ की कुर्ती वगैरह शॉपिंग करना है, थोड़ी देर में बात करते हैं। गाइस लुक एट द गुपचुप ठेला। मन तो बहुत कर रहा है पर हम खा नहीं सकते। लुक एट द क्राउड, हाँ लुक एट द क्राउड, बहुत भीड़ है लेकिन हम खा नहीं सकते। जैसे कि बोल रही थी कि अभी शॉपिंग बाकी है तो अभी हम कुर्तीज लेने आए हैं। जैसे कि आप सबको पता है मैं वेस्टर्न ओडिशा से बिलोंग करती हूँ, और जौन सा कुर्ती मैं पहनी हूँ वो वाला संबलपुरी ही कुर्ती देखने आए हैं। वहाँ चल रही है शॉपिंग, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं जल्दी जल्दी में बोल रही हूँ और टायर्ड भी लग रहा है, पानी अभी तक नहीं पिए हैं। जैसे कि कोरोना का सिचुएशन है तो हम अभी पानी भी नहीं पी सकते, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या शॉपिंग हो रही है। तो यहाँ मैं सारे कपड़े मैं छत से लेके आके ऐसे जमा की हूँ। पीछे डब्बे वगैरह सूख रहे हैं, आप देख सकते हो, दिख रहा होगा। बारिश हो रही है इसलिए सारा जो सा भी सात चीज़ें बाहर रखे थे सब अंदर ले आए हैं। और अभी लंच करके सोना है बस, क्योंकि टायर्ड लग रहा है थोड़ा सा। और मेंटली थोड़ा आप समझ सकते हो कि मेंटली थोड़ा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब भी हूँ, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा, इतना भी नहीं। और कहीं ना कहीं मतलब माइंड में आ ही जा रहा है कि चैनल का क्या होगा, क्योंकि बहुत मेहनत की थी उसके लिए। बताऊंगी किसी दिन, किस हद तक मेहनत करना पड़ा था बताऊंगी आपको। तो इसलिए टायर्ड लग रहा है मेंटली भी फिजिकली भी, धूप में घूमे थे हम लोग, इसलिए मैं रेस्ट करूंगी, सोऊंगी अभी, और कुछ करना नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं फैमिली से नहीं मिलाती। आज मैं जब दीदी से मिलाने का सोची तो मुझे बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ा, क्योंकि हर के कोई कंफर्ट नहीं होता कैमरे के सामने आने के लिए। और जैसे कि मेरे ससुराल में मुझे अलाउड है ये सब ब्लॉग वगैरह करना, उनके ससुराल में शायद अलाउड नहीं है, और शायद उनको उनके घर वालों को पसंद नहीं होगा ब्लॉग सामने आने के लिए, इसलिए दीदी मना करते हैं। मैं फिर भी उनको ले आई हूँ और उनको बोली भी हूँ कि अगर व्यूअर्स अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे आपको, मतलब पसंद करेंगे, तो आपका रेसिपी भी मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँगी बोल के। और एक्चुअली मैं शॉपिंग गई थी हस्बैंड के साथ, लेकिन हस्बैंड मुझे छोड़ के शोरूम गए थे, कुछ काम था उनका, तो उसी वक्त बहनों से मुलाकात हो गई। मैं अपनी छोटी वाली बहन से नहीं मिलाई, हर किसी को मिलाना ठीक नहीं होगा, तो मैं उससे ब्लॉक से बाहर ही रखी थी। वो भी साथ थी लेकिन मैं नहीं, वो दोनों आए थे शॉपिंग करने और मैं इधर से गई थी। एक ही टाउन में शादी करने का यही फ़ायदा है कि आप कहीं भी जाओ तो कहीं ना कहीं टकरा ही जाओगे। जैसे कि कोई भी शादी का फंक्शन हो, कोई भी छोटा मोटा फंक्शन हो, कोई मेला वगैरह हो, हम मिल ही जाते हैं, अच्छा लगता है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है अगर आप से एक ही टाउन में शादी करो, अच्छा भी लगता है एक साथ शॉपिंग करना। जैसे कि मैंने बताया था वो दोनों टीचर्स हैं, तो दोनों का टाइमिंग और मेरा टाइमिंग बहुत ही अलग होता है। बहुत कम मिल पाते हैं हम बाहर शॉपिंग के लिए, या फिर खाना खाने जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो बहुत कम मिल पाते हैं। लेकिन जब भी को इंसिडेंटली मिल जाते हैं बहुत अच्छा लगता है, और जम के शॉपिंग करते हैं जैसे कि आज हमने किया। तो ठीक है, ब्लॉग लंबा हो रहा है, आज के लिए इतना ही।
कैसा लगा ब्लॉग जरूर बताना मुझे। आज वाला ब्लॉग आप अगर मुझे पूछोगे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं सोच ही नहीं थी कि मैं आपसे आप लोगों से दीदी से मिलाऊंगी बोल के। तो ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना, सपोर्ट करते रहना, ढेर सारा प्यार आप सबके लिए।